हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर सी बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स का डिजाइन बनाना सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, सो आप उसको भी जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजाइन बनाने के लिए मैंने स्लीव्स की कटिंग पहले से ही कर ली है। और अगर आपको देखनी है कि हम स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और हम इसके बिल्कुल सेंटर में डिजाइन बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले देखिए, हमारा बीच में से ये स्लीव्स जुड़ी हुई है, इसको आपको बीच में से पहले पूरा कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने स्लीव को बीच में से कट कर लिया है। अब ये देखिए, यहां से हम इस तरह से स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहां पर दो बार फोल्ड करने के बाद यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब इसके साइड साइड में यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग ले ली है। आप कपड़े से भी लगा सकते हैं, और अगर कपड़े से आपको लगाना सीखना है कि आप कपड़े से पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर की है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये वाली पाइपिंग यहाँ पर लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। ये वाली पाइपिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने बूट को चेंज कर लेंगे। ये हमारा डबल फुट है, यहाँ पर हम सिंगल बूट लगा लेंगे, उसके बाद हम ये पाइपिंग लगाएंगे। देखिए, सिंगल बूट लगाने से जो आपकी पाइपिंग है वो अच्छी फिनिशिंग से लगेगी और हमारी जो सिलाई है वो हमारी पाइपिंग पे भी नहीं जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बूट चेंज करके अपने दोनों साइड पर ये पाइपिंग को लगा लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी दोनों साइड्स पर ये पाइपिंग को लगा लिया है। अब देखिए, नीचे की तरफ से हम कुछ इस तरह से अपनी स्लीव को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है अपने दोनों स्लीव्स पर। ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, हम कुछ स्क्वायर्स कट कर लेंगे और इसकी लंबाई देखिए आपको 2 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई भी आपको 2 इंच रखनी है। इससे हम अपनी स्लीव पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और इसको देखिए कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आपको पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगानी है। ये देखिए, दूसरा ट्रायंगल आपको इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए अपने एक ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए रखना है। ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह से चढ़ाते हुए ताकि यहाँ पर जो हमारा स्पेस रहे वो ज्यादा स्पेस ना रहे, एकदम पास पास में हमारा डिजाइन लगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखिए इसके ऊपर हमने चढ़ाते हुए इसको रखा है और इस तरह से इसको रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। और जितना ट्राइंगल आप ये वाला बाहर निकाल रहे हैं उतना ही आपको ये वाला भी एक बराबर बिल्कुल बाहर निकालना है, वरना जो आपका डिजाइन है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। इसी तरह से आपको पूरा ये ट्रायंगल्स लगा लेने हैं।
तो देखिए, हमने अपनी स्लीव के एक पार्ट पर ये ट्रायंगल्स को लगा लिया है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट के स्लीव पर भी ये ट्रायंगल्स को सेम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपने दोनों साइड्स पर ये ट्रायंगल्स को लगा लिया है। और ये देखिए, ये लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आए। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारे आ रहे हैं। अब चाहे तो पहले यहाँ पर एक जैसे निशान भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप ये ट्रायंगल्स लगाएं। सो मैंने सिमिलरली वैसे ही लगा दिया, बट आप जब लगाएं तो आप निशान लगा लें उसके बाद लगाएं। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कितना दूर दूर लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 1-1 इंच की दूरी पर इसे लगाया है। सो आप 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए इसे लगा सकते हैं। अब देखिए, हम इसको इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम एक मोती लगाएंगे, बीड लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पहले से ही सुई में धागा डाला हुआ है और इसके बिल्कुल बीचों बीच आपको ये निकालना है। और एक बार यहां पर इसको ऐसे पक्का कर लीजिए। और अब इसके ऊपर हम एक ये मोती लगाएंगे। ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल पक्का कर लिया है। अब नीचे से हम यहाँ पर एक पक्का टाका लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब देखिए, ये सारे डिजाइन इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पर पूरे में मोतियां लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फिनिश एंड कंप्लीट लुक ऑफ अवर स्लीव। और देखिए, बनने के बाद ये कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जब आप इसे पहनेंगे तो ये जो हमारे स्क्वायर्स का डिजाइन है, ये देखिए बीड्स लगाने के बाद ये जो हमारा स्क्वायर आ रहा है बनकर, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सो आई होप ये मेथड और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, खुदा हाफिज़।